मैं डॉक्टर संतोष कुमार, मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ में। मैं आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट में इरेक्शन की प्रॉब्लम, सेक्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो इम्पोर्टेंस को हिंदी में नपुंसकता कहते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज में क्यों होती है और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इसे रोक सकते हैं, कैसे इसे रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एज को रिवर्स करने की टेक्निक, वैसे क्या हम डायबिटीज एसोसिएट डायबिटीज को कंट्रोल करना, डायबिटीज एसोसिएटेड जो डिजीज होती है, डायबिटीज हर ऑर्गेन को इन्वॉल्व करती है, आँख को डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हर ब्लड वेसल्स की, दिल की ब्लड वेसल्स के साथ साथ किडनी की ब्लड वेसल्स के साथ साथ पेनिस की ब्लड वेसल्स एंड पेनिस की नर्व को भी इन्वॉल्व करती है। इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि डायबिटीज बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं हमारे सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में जो खान पान है, हर चीज़ों में मिठाई, यदि कोई बच्चा एग्ज़ाम पास कर लेता है, किसी को जॉब मिल जाती है मिठाई, किसी की शादी है तो मिठाई, किसी का बर्थडे है तो मिठाई, या जो रिफाइंड ऑयल यूज करना, ये तरह की जो हमारे खान पान जो चेंज हो रहे हैं उसका इफ़ेक्ट तो हमारे डायबिटीज के पे पड़ता है। और डायबिटीज के साथ साथ हमारी जो हम आज मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस उस पर पड़ता है। तो डायबिटीज का इंसिडेंस हमारे सोसाइटी में 5-10% है। यदि आप 100 लोग लें तो उसमें 5-8 कभी कभी 10% तक लोगों में, 100 में से 10% लोगों को डायबिटीज हो सकती है और इन 10 लोगों में 7 लोगों को इम्पोर्टेंस होता है, नपुंसकता की बीमारी होती है, इरेक्शन की बीमारी होती है, नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, तो इसमें डायबिटीज की कितनी पॉपुलेशन जो है, जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, उसमें कितने लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि यदि 100 लोग को डायबिटीज है तो 70 लोग को सेक्स की प्रॉब्लम होगी, वो भी और लोगों की अपेक्षा 10 से 20 साल पहले होगी। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी और इसका जो सेक्स पे प्रभाव होता है उस पे। तो जैसे हमने देखा डायबिटीज में सेक्स की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम 3 times ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और 70% जो लोग डायबिटिक हैं उसमें सेक्स की प्रॉब्लम है, 70%। 100 लोग डायबिटीज हैं तो उसमें 70 लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सेक्स की होगी। जैसे जैसे हमारी वजन बढ़ती है, डायबिटीज लोग ओबेज भी हो सकते हैं, जब ओबेसिटी होती है तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण खून की नली पतली होती जाती है। सेम चीज़ डायबिटीज भी करता है, डायबिटीज में जो ब्लड शुगर का लोड होता है और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और खून की नली को नैरो करती है। तो एक पतले लोग हर चीज़ में एक डायबिटीज को हल्का कर देते हैं। यदि आप ओबीज हैं तो ओबेसिटी को कम करें, खान पान को चेंज करें, दौड़ना स्टार्ट करें। तो आपने देखा ओबीज पेशेंट में इम्पोर्टेंस 3 times ज़्यादा होता है। यदि नॉर्मल पॉपुलेशन में 100 में 10 लोगों को इम्पोर्टेंस है तो ओबीज लोगों में मोटापा से जो पीड़ित लोग हैं उसमें 30% लोगों को डायबिटीज हो सकता है, मतलब 3 times ज़्यादा। 100 में 10% नॉर्मल पॉपुलेशन, ओबीज पेशेंट में 30%, डायबिटिक पेशेंट में 100 में 70 लोगों को हो सकता है इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम। तो
ये डायबिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, थकान महसूस होगा, ओबीज में क्या प्रॉब्लम होगी, थकान महसूस होगा, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगी, प्रोस्टेट की भी साइज बढ़ जाती है, प्रोस्टेट कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ जाता है ओबेसिटी में, जो मसल टोन है मसल मास कम हो जाते हैं, फैट इंक्रीज कर जाती है, और जब फैट इंक्रीज करती है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होती है, जो मेल हार्मोन होती है, इस फैट में जाके कन्वर्ट होके फीमेल हार्मोन बन जाती है, जब फीमेल हार्मोन बनती है तो ये ब्रेस्ट बढ़ना शुरू होता है, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा मेल जो सेक्स हार्मोन है वो कम हो जाती है। ये डायबिटीज एंड ओबेसिटी में ये दो चीज़ होता है। तो जैसे हमने बोला, ओबेसिटी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर होगी और पेनाइल ब्लड फ्लो, पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ओबेसिटी उतना ही हार्म करता है जितना डायबिटीज हार्म करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, जब स्मोकिंग करते हैं तो ये भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। निकोटीन जो होता है कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग ये सब में हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि खून की नली को कंप्रेस कर देता है, और पेनिस में यदि ब्लड फ्लो नहीं होगी तो इरेक्शन नहीं होगी। अल्कोहल जब लेंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, अल्कोहल लेंगे तो कैलोरी होती है, खाना भी ज़्यादा खाएंगे और ओबीज हो जाएंगे। तो एक्सेस अल्कोहल एंड स्मोकिंग दोनों आपका सेक्स लाइफ को वर्स करेगा। ये देखिए, ये जो पेनिस है, यहाँ रेड जो देख रहे हैं वो ब्लड खून की नली से ब्लड आती है और ये वेन से ब्लड चली जाती है। ये नर्व है, ये जो नर्व है ये नर्व स्टिमुलस होता है। आप जब थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, पार्टनर के साथ एंजॉय करते हैं तो नर्व स्टिमुलस जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। ये जो नर्व होती है वो डायबिटीज में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और खून की नली जो है, जैसे जैसे डायबिटीज होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और खून की नली नैरो होती जाती है। नॉर्मल जो खून की नली है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, नॉर्मल जो खून की नली है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और खून की नली नैरो होती जाती है, ब्लॉक होती जाती है। वो हार्ट में भी हो रही है, वो किडनी में भी हो रही है, वो पेनिस में भी हो रही है। तो डायबिटीज में जब किडनी में ब्लड नहीं जाती है तो ऐसे होती है, पेनिस में जब ब्लड फ्लो होता है तो इस तरह हो जाती है, रेड एंड इनलार्ज, और लेंथ बढ़ जाती है। जब ब्लड फ्लो नहीं होता है तो इस तरह होती है। तो डायबिटीज में आपका पेनिस इस तरह रहेगा, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये फिर भी वही दिखा रहा हूँ कि ये खून की नली नैरो हो गई है और इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। खून की नली नैरो हो गई है, टेस्टिस में भी ब्लड फ्लो कम हो गया है और जो मेल हार्मोन जो प्रोड्यूस होती है टेस्टिस के साथ द्वारा, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो कम हो गई, नर्व इफेक्ट हो गई, खून की नली नैरो हो गई, तो आपका पेनिस काम करना बंद कर देता है, जिसे इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस कहते हैं। इसके अलावा जब डायबिटीज में हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, पैर की खून की नली नैरो हो सकती है, नर्व इफेक्ट हो सकती है, आँख की रोशनी इफेक्ट हो सकती है, ये सारे चेंज होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ से आपका फाइट करना आपका धर्म है, आपका रिलीजन है। तो जैसे खून की नली नैरो हो गई, ब्लड फ्लो कम हो गई, तो हम इसे इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। यदि मेडिसिन से नहीं काम चलती है तो हमें ये पेनिस में इंजेक्शन भी देना देना पड़ता है कि वो ब्लड फ्लो बढ़ा दे। सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम कुछ मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। इन कुछ टैबलेट्स के द्वारा ही ये ब्लड फ्लो इम्प्रूव होती है और बहुत सारे लोगों में ये फायदा हो सकता है। यदि टैबलेट से नहीं इम्प्रूवमेंट है तो हम पेनिस में इंजेक्शन लगाना सिखा देते हैं। हालांकि बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं,
लेकिन बहुत लोगों में इस इंजेक्शन से भी फायदा होता है। तीसरा चीज़ है, एक ट्रीटमेंट है जिसे हम यूज करते हैं, मेडिकेटेड इंट्रा यूरेथ्रल ट्रीटमेंट है। यूरेथ्रा के अंदर पेशाब के रास्ते में कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जो कि काफ़ी 5 से 10 हज़ार रुपये का होता है, जिससे इरेक्शन होती है। तो ये भी एक तरह का ट्रीटमेंट है। जो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, जिन्हें पैसे की कमी नहीं है, वो ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी कीमत इतनी है कि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तीसरा ऑप्शन जो है, एक पंप लगा देते हैं, पंप में निगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे पेनिस इतनी छोटी है, जब पंप में निगेटिव प्रेशर जनरेट होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ती है, पेनिस लंबा हो जाता है, और यहाँ एक बैंड लगा देते हैं कि ब्लड फ्लो इससे वापस ना जाए और नॉर्मल सेक्स लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आती है वो ब्लड ठंडी होती है और पेनिस कोल्ड होता है और ये स्वेलिंग होती है, तो बहुत लोग इसमें इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये वही सक्शन मशीन है जिसे हम पेनिस में लगा के इरेक्शन अचीव कर सकते हैं। और लास्ट जो फाइनल ट्रीटमेंट है, इन सभी ट्रीटमेंट के द्वारा यदि आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो फाइनल ट्रीटमेंट होता है ये पेनाइल इम्प्लांट। पेनिस में हम एक रॉड डालते हैं जिसके कारण ये इरेक्शन हमेशा रह सकता है इस कंडीशन में, और इसमें हम जब चाहे तब कर सकते हैं। इसमें वॉल्व होता है और इसमें रिजर्वायर होता है, इससे फ्लूड इसमें आती है और ये इरेक्ट हो जाता है। और इस तरह के पेनाइल इम्प्लांट में हमेशा इरेक्शन रहती है। तो ये फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसे शुरू में यूज नहीं करना चाहिए। ये भी हार्वर्ड से स्टडी है जिसमें देखा गया है कि ब्लड फ्लो कम होने से, ब्लड की फ्लो कम होने से ही इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। जैसा हमने बताया, ये पेनाइल सक्शन डिवाइस हम यूज कर सकते हैं जिससे इरेक्शन अचीव हो सकता है। यूरेथ्रा के अंदर हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा इरेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, मेडिसिन इसलिए हमने पहले बता दिया कि बहुत लोग ईगर होते हैं कि क्या इसका इलाज हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्टाइल चेंज करना। स्मोकिंग को बंद करें, अल्कोहल को बंद करें, कोई भी कोलेस्ट्रॉल रिच फूड को बंद करें, एक्सरसाइज शुरू करें, मेडिटेशन योगा शुरू करें। इसके जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा। एक्सरसाइज की एक मेन चीज़ है कि आप इनिशियली शुरू करें, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं। और वॉक की जहाँ बात आती है, जब भी आप खाना लें उसके बाद कुछ देर 15 मिनट भी ज़रूर वॉक करें, जिससे मसल में ग्लूकोज यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, यदि बढ़ती भी है तो कंट्रोल में बढ़ती है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल का एक्सरसाइज करते हैं, जब पेल्विक फ्लोर का मसल का एक्सरसाइज करते हैं तो उससे फ्लो उस एरिया में बढ़ती है और ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है। तीसरा, काउंसलिंग। यदि इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो कन्फ्लिक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट होता है, अनसेटिस्फेक्शन होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो दोनों कपल को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, कभी कभी साइकेट्रिस्ट का हेल्प भी लेने की ज़रूरत है। मेडिकेशन, जैसा हमने बताया कि हम क्या क्या मेडिकेशन ले सकते हैं, और कुछ मेडिकेशन जो होते हैं जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती है, वो हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको दे रहे हैं हाइपरटेंशन की मेडिसिन, उनसे भी आपको डिस्कस करना पड़ता है। और जो हमने डिवाइस बताया, पंप डिवाइस, पेनाइल इम्प्लांट, जो कि लास्ट आंसर है। तो ये चीज़ आपका खान पान डिसाइड करता है कि डायबिटीज आपका कंट्रोल होगा, कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा या ये बढ़ता चला जाएगा। सेक्स की प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव करती जाएगी या कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। यदि आप ये खाना खा रहे हैं तो डायबिटीज कंट्रोल होगी,
आपकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेसल्स की जो नैरोइंग है धीरे धीरे रिक्वेस्ट होगी। यदि आप ये खाएंगे खाना, ठीक है, तो ये आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाएगी, आपकी सेक्स प्रॉब्लम बढ़ाएगी। तो कौन सा हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जो कि हमारे डायबिटीज को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है और हमारे इरेक्शन को इस तरह कर सकता है, इरेक्शन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ये देखिए, ये सारे डायबिटिक सुपर फूड हैं जिसमें शुगर कम है और न्यूट्रिशनल एलिमेंट ज़्यादा है। शुगर कम है, बैड फैट कम है, गुड फैट हो हैं और शुगर कम है, प्रोटीन है। तो ये सारे जो फैट है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, साइट्रस फ्रूट, यदि आपको पोटैटो खाना है तो स्वीट पोटैटो खाएं, पोटैटो नहीं खाएं। राइस खाना है तो ब्राउन राइस खाएं, आटा खाना है तो ब्रान वाले आटा खाएं, पॉलिश्ड राइस ना खाएं। मैदा वाली चीज़ बड़ी स्मूथ लगती है लेकिन ज़िंदगी में बड़ी तूफान पैदा करती है, उसे कम करें। मछली आप ले, टोमेटो ले, बीन्स ले और फैट फ्री मिल्क ले। मिल्क जो लेते हैं वो फैट फ्री लें। सलाद को आप डेली के मेनू में शामिल करें, सवेरे, दोपहर, शाम, तीनों समय आपके आपका खाना सलाद से ही शुरू होना चाहिए। ये आपकी ओबेसिटी को चेक रखेगा, आपके डायबिटीज को कम रखेगा, आपको न्यूट्रिशन से भरपूर रखेगा, आपकी पेनाइल फ्लो इम्प्रूव करेगा। खाने में दो तरह की होती है, लो ग्लाइसेमिक फूड एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड। एक फूड होता है जो ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ने देता है, दूसरा फूड होता है जैसे खाएंगे ग्लूकोज की लेवल बहुत हाई बढ़ जाएगी और डायबिटीज को वर्स कर देगी। तो डायबिटीज के पेशेंट को, खासकर जिनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है या अन प्रॉब्लम है, हाई ग्लाइसेमिक डाइट नहीं खाना चाहिए। ये आइसक्रीम नो, बटर टोस्ट नो, पोटैटो नो, राइस नो, बर्गर बिग नो। क्या खाना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फेनोग्रीक, मेथी। खाने में जो भी मसाले यूज होते हैं, अदरक, लहसुन, हल्दी, मेथी, ये सारे हजारों साल से हमारे खाने में यूज हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, ये हमारे बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप ब्रोकोली लें, होल व्हीट जो फूड ले रहे हैं वो होल व्हीट या ओट लें, मिक्स पल्सेज आप ले सकते हैं, कैरोट ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, ये सारे जो हेल्दी फूड है या प्रोटीन यूज कर सकते हैं यदि आपकी किडनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो जैसे हमने बताया, टोमेटो, ग्रीन, बादाम, मूंग और फ्लैक्स सीड, ब्लैक चेरी, पोमोग्रेनेट, कॉलीफ्लावर, ओट, पालक, ये सारे चीज़ जो हैं हमारे लिए हेल्दी है। तो डाइट में इन्हें ज़रूर शामिल करें, अपना वज़न ज़रूर कम करें। ये टमी जो है, टमी को बिल्कुल गायब कर दें, डायबिटीज कंट्रोल होगा और ये टमी जैसे जैसे कम होगा वैसे सेक्स लाइफ ऊपर आएगा और इस तरह आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक लिस्ट दिया है, जो आप इसको नज़दीक से देखेंगे, बिग स्क्रीन पे देखेंगे कि हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या है, इसे बिल्कुल छोड़ दें। मॉडरेट ग्लाइसेमिक फूड भी कम लें, कोई फ्रूट जूस नहीं लेना है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। क्या ले? एप्पल ले, सोयाबीन ले, ऑरेंज, ग्रेप्स, कैरोट, ब्राउन राइस, राइस लेना है ब्राउन राइस। आप पीच ले सकते हैं, प्रूंस ले सकते हैं, ऑरेंज, कीवी, स्वीट कॉर्न, चेरी, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन, कैबेज, ये सारे चीज़ अपने फूड में शामिल करें। इसे नज़दीक से देखें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लें जिसका 50 से कम है। ये ब्लड शुगर बढ़ने
से रोकता है। खाने में जर्मिनेटिंग चना ले, जर्मिनेटिंग मूंग ले और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले। ये आपके जीवन को हरा भरा और आपके सेक्स लाइफ को ग्रीन ग्रीन रखेगा। एक्सरसाइज कैसे हेल्प करता है? जैसे एक्सरसाइज आप करेंगे सारे ऑर्गन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन होगा और आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, जो पुरुष का सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल एक्सरसाइज से बढ़ता है। तो इस तरह आपके हार्ट डिजीज को भी कम करेगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इसलिए यदि आप डायबिटिक हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज मस्ट कर ले, देखिए आपकी पोटेंसी वापस लौट आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आप टाइम के अकॉर्डिंग दौड़ें, इसे अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, इसे आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, देखिए आपकी सेक्स की पावर, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, सेक्स की पावर वापस आ जाएगी, जो वापस आप नॉर्मल होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जैसे हमने बताया ये करें, इससे आपको सारी प्रॉब्लम जो है सेक्स की वो दूर हो जाएगी। खाने में जैसे मैंने बताया फेनुग्रीक ये शामिल करें, ये भी ब्लड शुगर कम करता है। ये सारे चीज़ आपके सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और इस तरह पार्टनर को हैप्पी रख सकता है। जैसे हमने बताया ये फेनुग्रीक जो है वो कैसे हेल्प करता है, ये फूड से जो ग्लूकोज आता है उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, तो आपका ग्लूकोज लेवल सडन नहीं बढ़ता है और आपके एपेटाइट को कम करके रखता है, बहुत ज़्यादा भूख लगने नहीं देता है। जैसे डायबिटीज़ में ऐसे प्राय होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, ब्रेन को ब्लड शुगर डिलीवर नहीं होती है इंसुलिन की कमी के कारण, तो भूख ज़्यादा लगती है, तो उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आप अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है देखते हैं 20 से 50 के अंदर है। जहाँ भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वैसे ही फ्रूट्स का वैसे ही वेजिटेबल्स का आपको सेवन करना है। इससे ऊपर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चीज़ को मत ले। फिर ये इस पर हम इम्फेसिस ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कलरफुल रखना चाहते हो, सेक्स लाइफ को कलरफुल रखना चाहते हो, तो इन सारे कलरफुल चीज़ों का आप ज़रूर सेवन करें। ये जैसे हमने मेथी बताया, खाने में हल्दी का यूज, खाने में दालचीनी का यूज करने से भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो ब्लड शुगर ये सारे कंट्रोल में होती है, टिश्यू में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो मेंटेन रहती है। सो बी फिट, ये सारे चीज़ जैसे हमने गार्लिक बताया, ऑरेंज बताया, ब्लैक चेरी बताया, चुकंदर बताया, ये सहजन है, ड्रमस्टिक, ये सारे चीज़ पहले काफ़ी यूज होते थे, अब धीरे धीरे हमारे यूज से गायब होते जा रहे हैं। जितना नेचर को अपने साथ रहेंगे आप फिट रहेंगे, आपकी सेक्स लाइफ फिट रहेगी। अगेन इम्फेसिस ऑन फूड, ये सारे फूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। और मैंने जैसे बताया इनिशियल ट्रीटमेंट मेडिसिन, उसके बाद इंजेक्शन, उसके बाद सक्शन डिवाइस, और उससे नहीं होता है तो लास्ट ट्रीटमेंट है पिनाइल इम्प्लांट का। तो जैसे हमने बताया आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, इसको आप फॉलो करो, और भी कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसको आप फॉलो करें, आपके ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल कम होंगे, आपकी सेक्स लाइफ पटरी पे आ जाएगी और आपको दवा की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रेगुलर फॉलो अप इंडोक्राइनोलॉजी
जरूरी है यदि आपकी ब्लड शुगर है तो ये ध्यान में रखें और बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बी हेल्दी। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑन इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस और यूरोलॉजी संबंधित अन्य बीमारियों के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। सेक्स प्रॉब्लम पे बिल्कुल कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, इवन पेनाइल इम्प्लांट पे भी एक वीडियो अवेलेबल है और डायबिटीज के पेशेंट को फाइमोसिस और चमड़ी के अगले हिस्से में जो प्रॉब्लम आती है उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।